तो आज सुबह से रूसी सेना खार्किव पर जोरदार हमला कर रही है। यहाँ रूसी सेना ने पुलिस हेडक्वार्टर, बड़े मार्केट, मेडिकल सेंटर और ऑयल टैंकर पर भी हमला बोला है। खार्किव में हर जगह तबाही की तस्वीर नजर आ रही है। जहां देखिए वहां धुआं, रूसी बमबारी में पूरा खार्किव तबाह हो चुका है पूरी तरीके से। इस वक्त की टीवी स्क्रीन की अलग अलग तस्वीरें देखिए, रेलवे स्टेशन, बाजार में ब्लास्ट, पुलिस मुख्यालय तबाह, मिसाइल अटैक, ऑयल टैंक पर हमला, टीवी टावर पर टारगेट, रूसी गाड़ी को रोका गया, ड्रोन से हमला, खौफ में खिरगोन, अपार्टमेंट पर हमला। इस वक्त की ये बड़ी तस्वीरें, युद्ध की हर एक कहानी बयां करती हुई ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि यूक्रेन सातवें दिन युद्ध के हालत में जी रहा यह देश अब किस सूरत में है और कितना बचा हुआ है। और अब आपको यूक्रेन का मैप दिखाते हैं। इस मैप से आपको पता चलेगा कि आज रूस ने यूक्रेन के किन किन इलाकों में कब्जा कर लिया है। तो चलिए मैं सीधे सीधे आपको मैप के जरिए बताती हूं, ये वो इलाका है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं क्या हुआ था। डोनेस्क और ये लुहांस, इसे आजाद मुल्क घोषित कर दिया गया था, देश की मान्यता मिल गई थी। उसके बाद क्यू और खार्किव, ये दो टारगेट पे, लेकिन इन दोनों ही जगहों पे हमले करते करते क्या हुआ, ये खेरसोन इलाके को यहाँ पे पूरी तरीके से रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया। और ये जो हम लास्ट में आपको दिखा रहे हैं क्रीमिया, ये पहले ही यानी 2014-15 में जो संघर्ष चला था रूस की तरफ से, तब इसे रूस ने अपनी तरफ कर लिया था। लेकिन अब इस बीच खेरसोन के बाद अगला टारगेट क्यू है, खार्किव है, और इन दोनों को टारगेट पर इसलिए लिया गया है क्योंकि मौजूदा वक्त में राजधानी ये और पुरानी राजधानी खार्किव, यहां से पूरे यूक्रेन को अभी भी रणनीतिक तौर पे, सैन्य ताकत के तौर पे जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी डिसीजन हो रहे हैं, वो यहां से हो रहे हैं क्योंकि क्यू में ही, राजधानी क्यू में ही मौजूदगी किसकी है, राष्ट्रपति जेलेंस्की की है। जेलेंस्की अभी यहां पे मौजूद है और जो खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इस तरीके से कदम उठाया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, एनो